इसमें हमने आपको सबसे पहले प्रार्थना प्रार्थना वाला बताया, प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें हे परमेश्वर, संसार में सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुखी न हो। दूसरा था इसमें प्रार्थना के श्लोक, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं, गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म हैं। ऐसे उस श्रेष्ठ गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतम गमय। हे प्रभो, मुझे बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाइए, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाइए, तथा मुझे आप मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। इस प्रकार से हमने आपको ये प्रार्थना बताई। प्रार्थना हमने सबसे पहले स्तुति की, उसके बाद हम ये वर्ण अभ्यास देखते हैं, और इसमें ये वर्ण अभ्यास इसका विशेष है पाठ एक। पाठ एक के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला आती है। संस्कृत वर्णमाला पाठ का शीर्षक है। यह हमें इसमें ये देखना है कि किस प्रकार की वर्णमालाएं, वैसे देखा जाए कि अलग से हम संस्कृत, जैसे हिंदी वर्णमालाएं होती हैं, संस्कृत वर्णमालाएं, अंग्रेजी वर्णमालाएं आदि आदि, अलग अलग वर्णमालाएं, सभी भाषाओं की वर्णमालाएं अलग अलग होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण संस्कृत वर्णमाला के आधार पर हम देखते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हमने इसमें आपके पाठ के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्णों के विषय में बताया गया है। तो इसमें वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये इसमें दिया है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं, जो निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। सबसे पहला क, ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ, ऋ, लृ, ये 5 हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब ख में देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ऋ, ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ग में देखिए संयुक्त स्वर, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वर 13 माने जाते हैं, और इसमें यहाँ पर ह्रस्व स्वर
पांच हैं, दीर्घ स्वर चार हैं, संयुक्त स्वर भी चार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 13 स्वर हुए। तो अब हम देखते हैं स्वरों के बाद में, हमने आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तो हमारे 13 हो गए, 13 स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हुए। अब हम व्यंजन स्वर देखते हैं। व्यंजन स्वरों के अंतर्गत व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं जो निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित होते हैं। निम्नलिखित तीन भाग, इसके व्यंजन के तीन भाग बनाए जाते हैं। एक भाग क स्पर्श व्यंजन, ख अंतस्थ व्यंजन और ग उष्म व्यंजन। तो स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, तीन प्रकार अर्थात तीन भागों में व्यंजन को फांटा गया है, बांटा गया है। और अब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं और अन्य उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत यहाँ पर ये पांच वर्गों में विभाजित किए गए हैं, यहाँ पर पांच वर्ग बनाए गए हैं। और ये स्पर्श व्यंजन जो हैं ये पांच भागों में विभाजित किए हैं। अब इसमें सबसे पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ पर पांच वर्ग दिए गए हैं और पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण अर्थात पांच पांच व्यंजन, वर्ण व्यंजन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 वर्ण जो हैं वो यहाँ पर 25 व्यंजन, 25 वर्ण यहाँ पर बनते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस प्रकार से हमारे पास में पांच वर्ग हैं और पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 अर्थात 25 वर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं यह देखते हैं। वर्गों के आधार पर कौन कौन से वर्ण यहाँ पर व्यवस्थित रूप में रखे गए हैं उनके विषय में बताते हैं। तो क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से यहाँ पर ये 25 वर्ण हुए। अब आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें वर्णों के आधार पर यहाँ पर हर वर्ग के अंदर, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो यहाँ पांच वर्ग जो दिए गए हैं इन पांचों वर्णों में अलग अलग पांच पांच वर्ण दिए गए हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे हुए स्पर्श व्यंजन। सभी समझ गए? हाँ, इन्हें ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, याद करना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं
और चारों वर्णों में कौन कौन से होते हैं? ये रे ले वे, ये रे ले वे, ये चार वर्ण जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अब आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में चार वर्ण होते हैं, शे शे से है, तो ये हमारे चार वर्ण हुए। इनके अतिरिक्त दो अयोगवा भी हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारे स्वर, हमने आपको बता दिया कि वर्ण, संस्कृत वर्णमाला जो है उसमें वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर 13 माने जाते हैं, 5 तो ह्रस्व स्वर होते हैं, 4 दीर्घ स्वर होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अब व्यंजन 33 होते हैं। इनमें अलग अलग इन व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये हम आपको बता चुके हैं। और इसी ही प्रकार से स्पर्श व्यंजन जो हैं वो 5 वर्गों में विभाजित हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अन्य अंतस्थ वर्ण व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से 33 व्यंजन यहाँ पर माने जाते हैं और यहाँ पर 13 स्वर हुए और 33 जो हैं वे हमारे व्यंजन हुए। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ये स्वर और व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त, ये सब आ गए। तो इसके बाद इनके अतिरिक्त भी 2 और माने जाते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो 2 अयोगवाह भी हैं। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? एक अनुस्वार और विसर्ग, 2 आते हैं। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जितने भी हमने आपको व्यंजन बताए हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जितने भी हमने अंतस्थ, ऊष्म आदि आपको जितने भी वर्ण बताए हैं, व्यंजन, व्यंजन वर्ण जो हैं वो जो भी आपको बताए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वह हलंत हैं। उनके नीचे आपने देखा होगा एक तिरछी रेखा जो बनी हुई है, वही एक विसर्ग के रूप में होती है। जो तिरछी रेखा है उसे ही हम विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यंजन वर्ण जितना है, जो भी सामने लिखा हुआ है, वह एक विसर्ग के रूप में होता है, हलंत के रूप में होता है। ये थोड़ा हम विसर्ग गलत बता गए, हलंत, इसको हम हलंत कहते हैं। यह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे के सारे हलंत के रूप में होते हैं, इसे हम हलंत कहते हैं। तो ये हुआ हमारा हलंत। तो अब हम देखते हैं कि सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। हलंत अर्थात जो तिरछी रेखा बनी रहती है इसे हम हलंत कहते हैं। तो सबका अपना स्वरूप, प्रत्येक व्यंजन के नीचे तिरछी लकीर, जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक तिरछी लकीर जो है, रेखा जो है, वो लगाने से स्पष्ट हो जाती है। जैसे कै, कै ख गै आदि, ये सभी देखिए आप, सबके नीचे एक तिरछी रेखा लगी हुई है और ये जो तिरछी रेखा है इसी को हम हलंत कहते हैं। तो स्वरों के बिना इनका उच्चारण न होने से इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। कहते हैं कि इनका जो उच्चारण है वो जितने भी व्यंजन हैं इनका बिना स्वरों के उच्चारण नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको स्वरों के साथ में ही लिखते हैं।
स्वरों के साथ में यदि इनको लिखा जाएगा तो इनकी जो ये तिरछी रेखा है नीचे जो लगी हुई है जिसे हम हलंत कहते हैं, ये इसमें दिखाई नहीं देगा। जहाँ भी ये दिखाई नहीं देता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, स्वर वर्ण जोड़ दिया गया है, इसीलिए वहाँ पर हमें यहाँ पर ये हलंत दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इसमें इसमें यही बताया गया है कि हलंत उसका अलग कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है अर्थात छिपा दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो इसमें जिसमें स्वर जोड़ दिया जाता है जैसे क जमा ए, ए इसमें हम क में यदि हलंत वाले में ए जोड़ते हैं तो क बन जाता है, उसका अर्थात हलंत हट जाता है। तो जिसका हलंत हटा हुआ है, जिसकी तिरछी रेखा हटी हुई है, जिसमें लिखी हुई नहीं है, तो ये मान करके चलेंगे कि इसमें स्वर जोड़ दिया गया है, स्वर जुड़ा हुआ है। इसीलिए जैसे तय, तय में ए जोड़ने से तय का हलंत हट जाता है और इसमें स्वर अर्थात ए जोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से मैं जमा ए मैं आदि इस प्रकार के वर्ण बनते हैं। तो हम हर तरह से यह देखते हैं कि हम किस प्रकार से वर्णों को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार आप चिन्ह देख लीजिए, ये नाक में बोला जाता है ये, और विसर्ग के विषय में विसर्ग का रूप इस प्रकार का होता है, और हलंत हमने आपको बता दिया है। आप फिलहाल वर्तमान ये ध्यान रखें कि अनुस्वार किस प्रकार के रूप चिन्ह के रूप में लिखा जाता है और विसर्ग किस प्रकार की दो बिंदियाँ होती हैं ये किस प्रकार से लिखा जाता है, और हलंत किस प्रकार से एक तिरछी रेखा के रूप में लिखा जाता है। तो ये चिन्ह आप अच्छी तरह से देख लें, इसे अनुस्वार, ऊपर अंक जो लिखा हुआ है इसे अनुस्वार कहते हैं, दो बिंदी लगी हुई हैं जो इसे हम विसर्ग कहते हैं, और तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। अब आगे आते हैं, अब हम देखते हैं कि संयुक्त वर्ण जो हैं वह संयुक्त वर्ण किस प्रकार के होते हैं। तो जब दो व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं, जब दो व्यंजन हैं, हमने देख लिया कि दो व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजन हैं बिना स्वर के मिलाकर के यदि उन्हें रख दिया जाए, वैसे तो देखा जाए उनमें यदि बहुत गहराई से हम जाते हैं, आगे हम आपको जब ये क्रम आएगा उस क्रमानुसार आपको बताएंगे कि इसमें एक वर्ण, पहला वर्ण जो है बिना स्वर का होता है, और दूसरा जो है यहाँ पर व्यंजन जो ये व्यंजन होते हैं, दो व्यंजनों के विषय में बताया है, पहला जो है बिना स्वर का होता है, उसमें स्वर नहीं होता है, लेकिन दूसरा उसमें स्वर युक्त होता है। एक स्वर रहित होता है तो दूसरा स्वर युक्त होता है। इस प्रकार से इनको जब हम दोनों को मिलाते हैं और मिलाने से जो परिवर्तित होता है, जो रूप निखर करके आता है, जो रूप बनता है, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, अर्थात मिला हुआ वर्ण, जुड़ा हुआ वर्ण, संयुक्त वर्ण, साथ साथ दो दो वर्ण जो हैं उन्हें ही हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जहाँ दो वर्ण मिल जाते हैं वही संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे यदि हम देखें संयुक्त वर्ण में, जैसे जय या बनता है ज्ञ ज्ञानी, क श
कक्षा द य द्य विद्या ते र त्र मित्र आदि आदि। तो इसी प्रकार के ये हमारे कुछ उदाहरण हुए। इसी प्रकार हम इन उदाहरणों को आपके सामने यहाँ पर बताया। तो हम ये हर प्रकार से इनका हम ध्यान रखें और हम इनको पूरा करें। तो अब आगे देखते हैं हम वर्ण विच्छेद के विषय में। वर्ण विच्छेद कि किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल के जमा ए जमा में जमा ए जमा ले जमा ए तथा अंत में जो अक्षर होता है उसी से अंत वाला वह शब्द कहलाता है। जैसे कमल शब्द के अंत में ए है तो यह अकारांत कहलाएगा। लता के अंत में आ है तो वह आकारांत कहलाएगा। इसी प्रकार ई में अंत होने वाले शब्द इकारांत तथा ऊ में अंत होने वाले उकारांत कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो बाल बे आ ले